आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सीरीज आपके सामने, ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको आपको क्या है, बैलेंस करना है, राइट? आपको बैलेंस करना है इस पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन को, फाइन। सो देखो, आपको समझना होगा, अगर मैं बात करती हूँ बैलेंसिंग की, मतलब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, सो आपको समझना होगा एक बैक, मतलब एक बैलेंसिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है। एक इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो तभी कहा जाता है जब वो आपकी फर्स्ट फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, राइट? कहने का मतलब है कि जो आपके पास मास होगा रिएक्टेंट साइड पर, टोटल मास जो होगा स्पीशीज का रिएक्टेंट साइड पर, अगर वो आपका इक्वल हो जाता है टू द टोटल मास ऑफ द स्पीशीज ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो हम कह देते हैं कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है एंड वो रिएक्शन आपकी क्या बैलेंस है, राइट? और सेकेंड कंडीशन ये होती है कि आपके पास रिएक्टेंट साइड पर जो एटम्स होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए ऑन रिएक्टेंट साइड, वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, राइट? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपके पास एटम्स भी जो होते हैं दोनों साइड बैलेंस्ड होते हैं, राइट? सो अगर एटम्स आपके क्या होते हैं, सेम हो जाएंगे, सो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होगा वो आपका ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा, राइट? सो ये दो कंडीशन आपके पास असेंशियल होती है फॉर इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड, राइट? सो अगर मैं यहाँ पर देखो बात करती हूँ आपकी इक्वेशन की, सो ये आपके पास क्या है, पर्टिकुलर इक्वेशन है, फाइन। सो हमारी इक्वेशन क्या है आपके पास, बी ए सी एल टू प्लस आपके पास क्या है एच टू एस ओ फोर विच इज गिविंग बी ए एस ओ फोर प्लस एच सी एल, राइट? सो मुझे यहाँ पर एटम्स सारे मैच करने होंगे। सो यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं दोनों साइड्स की बात करती हूँ, तो दोनों साइड बेरियम, आपके बेरियम के आपके पास क्या है, एक एक एटम है, राइट? क्लियर, फाइन। अब अगर मैं आगे बात करती हूँ आपका, ये आपकी देखो बेसिकली रिएक्टेंट साइड है एंड ये आपकी क्या है प्रोडक्ट साइड, फाइन। बेरियम के एक एक एटम है, यहाँ पर क्लोरीन के दो एटम्स है बट यहाँ पर एक एटम है, सो मुझे यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा, सो अब यहाँ पर भी क्लोरीन के हो गए दो। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। यहाँ पर सल्फर का एक एटम है एंड ऑक्सीजन के फोर एटम्स, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के फोर एटम्स हैं एंड आपके सल्फर का क्या है एक एटम, राइट? सो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस इक्वेशन में अब आपके सारे एटम्स जो हैं वो बैलेंस हो गए हैं, राइट? सो ये आपकी जो इक्वेशन है ये अब आपकी कंसीडर होगी एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन और यही आपका आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।